ठीक है ठीक है, आप आ जाइए। बस बस आ रहे वापस। मैम इधर, मैम देखो जी इधर उधर जो है हमारे ही पास आना है। हाँ जीजा वही मैं जीजा जाने उधर चल। पेशेंट्स के जिनके घर पे एक्चुअली कोरोना का इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है, अभी तो हमने सुना ये वैक्सीनेशन भी ख़त्म हो गया है जो हमें लगने वाला था, वो भी हमें शायद मई एंड तक ही मिलेगा, आज पेपर में ही आया है। सो यू नो इसके अलावा कोई चारा तो दिख नहीं रहा है, कैसे कंट्रोल करोगे? आई थिंक यही लॉकडाउन पूरा नहीं बट थोड़ा बहुत, जो इतना सब कुछ ओपन हो गया था, ये सपना बहुत ओपन नहीं होना चाहिए था तो शायद थोड़ा कंट्रोल में रह जाता, बट अभी जब इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है आई डोंट सी एनी ऑप्शन रेदर देन लॉकडाउन। सो हाँ, क्योंकि लोग प्रिकॉशन भी नहीं लेते हैं, हम कितना भी कुछ भी बोले या गवर्नमेंट को बोले, किसी को भी बोले, हमारा फ्रस्ट्रेशन निकाले, बट एट द एंड ये भी सच है कि लोग खुद अपना ध्यान नहीं रखते। बहुत लोगों को मैं बाहर देखती हूँ जो बिना मास्क के घूमते रहते हैं, बहुत लोग ये कहते हैं कि कोरोना वरोना कुछ नहीं होता, ये सब ऐसे ही है, हम तो बिना मास्क के घूमेंगे। सो यस, ऐसे लोग भी हैं जिनके वजह से एक्चुअली ये इतना ज़्यादा फैल गया है, वैसे ही अभी उनको आप बेवकूफ़ बोलोगे या कुछ कुछ भी बोलो, बट यस बिकॉज ऑफ देम ओनली ये फैला है। कंगना ने ट्वीट किया है कि वैक्सीन भी है और ऑक्सीजन है और सब सारी चीज़ें मुहैया की गई हैं और पब्लिक बोल रही कुछ है नहीं, हॉस्पिटल में वैक्सीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अब आई डोंट नो, मे बी डेफिनेटली आई कैन कमेंट ऑन इट, बट मे बी उनके लिए शायद अवेलेबल होंगे, बट देर आर अभी जो हॉस्पिटल में जो प्रॉब्लम हो रही है, लोग आए दिन ऑक्सीजन और वैक्सीन के लिए, लोग इनफैक्ट बिना ट्रीटमेंट के भी, बिना ऑक्सीजन के भी लोग मर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने
सब जगह पे ये वायरल हुआ है, जहाँ पे 85 इयर्स ओल्ड मैन जिन्होंने अपना बेड दे दिया है 40 इयर्स मैन को ताकि वो बच जाए। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन चल रही होगी कि अपनी जान को फिक्र ना करते हुए दूसरे की जान को कंसिडर करते हुए उन्होंने बेड सेक्रीफाइस किया है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसा सिचुएशन चल रहा है एंड आई डोंट नो इफ इट्स गुड। अगर कंगना जी को पता है कि बेड और ऑक्सीजन और मेडिसिन अवेलेबल है देन आई थिंक शी शुड कम आउट, जैसे हमारे सोनू सर कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, बहुत लोग सामने आके मदद कर रहे हैं आउट ऑफ द इंडस्ट्री। सो आई गेस उनको सामने आना चाहिए, उनको जहाँ पे पता है अवेलेबल है ऑक्सीजन बेड या वैक्सीनेशन, उनको बाकी जिन लोगों को ज़रूरत है हॉस्पिटल में जहाँ प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे जाके उन्हें मदद करनी चाहिए। उनका कहना है कि पब्लिक झूठ बोल रही है, मोदी जी सही है ना, ये चीज़ तो अभी फिर ये गवर्नमेंट को ही क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि हॉस्पिटल्स में जो इतनी महामारी फैली हुई है, इतनी जो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है, ये अभी कैसे झूठ हो सकता है जबकि आए दिन एवरीथिंग इज़ न्यूज़, लाइक सब कुछ क्लियर है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद यू नो पॉलिटिकली या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से भी जुड़े हुए हैं, वो भी खुद सामने आके मदद कर रहे हैं। सो डेफिनेटली देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट और जो भी है इसके वजह से। अभी डॉक्टर्स भी तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, डॉक्टर्स क्यों झूठ बोलेंगे, डॉक्टर्स आर देयर जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो आई डोंट नो इफ अगर उनको लग रहा है कोई भी हॉस्पिटल में जाके झूठ बोल रहा है देन आई थिंक सी शुड गो टू दैट हॉस्पिटल एंड पर्सनली वो खुद एक बार चेक करे और जाके उनकी मदद करे, और ये प्रॉब्लम जो इतनी फैली हुई है अगर वो अकेले ही सॉल्व कर सकती हैं देन इट्स वेरी गुड। तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे आने की, कोई खुद सब कुछ हैंडल कर सकती है अकेले। थैंक यू। चलो हाँ चलो चलो तुम चलो, तुम्हारा हो गया, चलो बाय बाय बाय।